Thank you very much. Thank you.
ข้าวหน้าฮัลโหลอะไรเอ๊ะเอ๊ะโอ้จอมเรียลเอ๊ะนีเจ้าฮัลโหลนีเจ้าอูดาร์ऊपर वाले सब नीचे आ जाओ ऊपर वाले सब नीचे आ जाओ हेलो हाय 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 मैं हूं ममता मई राधे मां और मैं मां के सब भक्तों को मां जगदम्बा के जागरण की शुभकामनाएं देना चाहती हूं और मैं चाहती हूं कि माता रानी के चरण हर हर भक्त के घर में सब भक्तों के घर की सुख शांति और माता रानी की भक्ति और सब साउंड 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 नहीं आ रहा साउंड साउंड करो ना साउंड साउंड करो नहीं हेलो 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 ए मोबाइल पीछा ओ मोबाइल मोबाइल दादा पीछा पीछा हेलो 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 तो और मैं ये जो यंग जनरेशन है कभी ना दुखाएं और मम्मा पापा अगर कुछ नहीं है तो माता रानी कुछ नहीं होती ये जरूर कहना चाहती कि मम्मा पापा का दिल कभी ना दुखाएं मम्मा पापा को हमेशा खुश रखे माँ भक्ति है जिसने संतों को महंतों को भगवान को भी जन्म दिया है सबसे पहले वो माँ का दिल कभी ना दुखाएं जय माता की सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामना जय माता दी राधे राधे पहले अपना नाम बताइए सर उसके बाद सब बोलिए माता के सभी भक्तों को राधे राधे मैं पंडित ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी आज माता के प्रथम दिन का हार्दिक शुभकामना देता हूँ ये नवरात्रि जो है हमारे सभी आपके जीवन में मंगल उत्सव के लिए आती है इसीलिए हम लोग इसमें रासोत्सव मनाते हैं जो भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ मनाए थे यानी कि गोपियाँ माँ कात्यायनी का पूजा करके भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए तन्मय होके नवरात्र में उन्होंने साधना किया या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः माता कभी अपने पुत्र का अनिष्ट नहीं सोचती है माता हमेशा अपने पुत्र के जीवन में यश की वृद्धि हो जीवन में मंगल हो माता जो है दया की अपार समुद्र है या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः आज माता का शैल पुत्री स्वरूप का हम लोग पूजन करते हैं प्रथमम शैल पुत्रीम च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी कल ब्रह्मचारिणी का हम लोग पूजा करेंगे यानी कि माँ शैल पुत्री का अर्थ है कि माता कितने भी कठोर व्यक्ति क्यों ना हो उनके हृदय में अपने ममता को जगा ही देती है क्योंकि जब तक हृदय में ममता नहीं होगा प्रेम नहीं होगा आप इंसानियत को नहीं सीख पाइएगा इंसानियत को मानवता को सीखने के लिए हम लोग माँ दुर्गा का शारदीय नवरात्र का पूजन करते हैं इससे क्या होता है नवरात्र चार प्रकार के होते हैं चार नवरात्र होते हैं दो गुप्त नवरात्र होते हैं दो जागृत नवरात्र होते हैं सबसे पहले हम लोग चैत्र नवरात्र मनाते हैं चैत्र नवरात्र में हमारे प्रभु श्री राम का जन्म हुआ नवमी को जिसको हम लोग रामनवमी के दिन बड़ा हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं उसके बाद आता है आषाढ़ में नवरात्र जो गुप्त नवरात्र होता है गुप्त नवरात्र में हम लोग तांत्रिक सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए माता का पूजन करते हैं इसमें आज माता के शैल पुत्री के दिन के सभी भक्तों को प्रेम से जय माता दी राधे राधे जय जय माता दी रोलिंग शैलन जी क्या कहेंगे आज के नवरात्र पिंकी एक तरफ फाल्गुनी पांडे एक तरफ आप क्या कह रहे हैं एक्शन एक्शन सर पिंकी एक तरफ फाल्गुनी पांडे एक तरफ हम शैलेन है सर आप हां जी आप नेशन कैमरा नीचे एक तरफ पिंकी चल रही है एक तरफ फाल्गुनी पांडे चल रही है और यहां पे शैलेन जी राज कर रहे हैं क्या बात है गांधी जी ने फर्स्ट खास खास तो है कि आप लोग को मेरी डबल आवाज़ में सुनाएगा गाना सुनने मिलेगा मैं लेडीज़ वाला भी गाता हूँ और
जेट साउंड भी करता हूँ, दोनों आवाज में आपको सुनने मिलेगा। प्रीति पिंकी और मूसा भाई दोनों मिलेंगे एक साथ। मारी मई सागर निया रे ढोल वागे से, मारी मई सागर निहारे ढोल वागे से ढोल वागे से ढोल वागे से, ओ रे ओ रे ओ रे मारी मई सागर निहारे ढोल वागे से, मारी मई सागर निहारे ढोल वागे से। रिस्पॉन्स तो भयंकर है, आप देख रहे हैं, आप लोग सब देख रहे होंगे बाहर, पब्लिक एकदम पागल नच रही है। हाँ जी राजेश, राधे माँ ने, राधे माँ यहाँ पे आई थी, उन्होंने हमने आशीर्वाद दिया हमको, हम बहुत बहुत खुशी हुई हमको इस बात पे। राजेश नेगी जी तो वो तो उनका क्या कहना, 9 दिन की क्या तैयारियाँ की, किस तरह का फ्लेवर आप दोगे सिंगिंग में? 9 दिन में हम लोग अपने काठियावाड़ी गाना गा रहे हैं पूरा अच्छी तरह से मिलके, और बहुत मजा आएगा। आप लोग आइए सब लोग। कुछ सिंगर गुजरात से भी आपके साथ हैं? हाँ हाँ, एक हमारे साथ में एक सिंगर आए चेदर साहब, वो भी गुजरात से आए, सूरत के दमाव सिंगर हैं वो, उन्होंने आज ही आ जाए, वो भी हमने ज्वाइन किया उन्होंने। थैंक यू, थैंक यू। आइए राजेश भाई बैठो, डांडिया धमाल डांडिया। जहाँ तक प्रीति पिंकी बोलो या फाल्गुनी बोलो, जो मेन है वो यहाँ पे नाचने के लिए, गाने के लिए, मौज बनाने के लिए आता है। तो चाहे वो प्रीति पिंकी हो, चाहे वो फाल्गुनी हो, चाहे वो शैलेश हो, चाहे वो मूसा भाई हो, कोई भी हो, बीट्स है। गुजरातियों को बीट्स की ज़रूरत होती है, ट्रेडिशनल सॉन्ग्स की ज़रूरत होती है, ट्रेडिशनल बीट्स की ज़रूरत होती है, जो वो रूट्स से जुड़े हुए हैं, तो उन्हें वो फ्लेवर चाहिए, वो स्वाद चाहिए जो हम यहाँ पे दे रहे हैं उनको। और उसी का नतीजा है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आज पहला दिन होने के बावजूद फुल हाउस है। तो ये खासियत है धमाल डांडिया की। हम धमाल डांडिया आज से नहीं है, 20 साल से हो रहा है, साउथ मुंबई में भी होता रहा है और श्रीराम मिल्स कंपाउंड में रहा है, साउथ मुंबई में कई सालों से सक्सेसफुल होता रहा है, और इस साल पहली बार हम यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे भी हम लोगों को यहाँ पे इस साल क्या नई चीज़ है, क्योंकि कंट्री क्लब में हर साल डांडिया होते हुए आ रहा है, ये साल आप कर रहे हो तो क्या नयापन रहे? नयापन तो ये है कि जैसे आप देख रहे हैं कि हमने ऑलरेडी एस्केप यानी कि सलमान खान फिल्म पर टाइप किया हुआ है लव यात्री के साथ, तो लव यात्री की इसका थीम है एक्चुअली नवरात्रि, तो उसी के साथ में हमने जब इनिशिएट किया था ये डील, तो एक एक्सटेंडेड कैंपेन था ये लव यात्री का, जिसमें कि हम इनके जो स्टारकास्ट हैं लव यात्री के, तो उन लोगों ने भी आना है यहाँ पे, जो उनकी जो EP है और मेरी मार्केटिंग टीम उनसे मेरी बात चल रही है, और उन्होंने भी यहाँ पे आना है, तो उसी हिसाब से हमने इसके साथ साथ में और भी फिल्म्स के, बॉलीवुड के काफ़ी नामी गिरामी लोग यहाँ पे आने वाले हैं, काफ़ी फिल्म और फिल्मों के साथ में भी टाइप हुआ है। जैसा कि आप सबको पता है कि फेक मीडिया हमारा PR कर रहा है, तो ऑब्वियसली मूवी का तो आना जरूरी है। सर अच्छी चीज़, शैलेंद्र ग्रुप बहुत साल से आपके साथ जुड़ा हुआ है, ये साल उन लोग ने यहाँ पे क्या धमाका करने वाले हैं, धमाल क्या करने वाले हैं, इसका नाम है धमाल डांडिया। धमाल का मतलब होता है, धमाल अपने आप में एक शब्द है, तो उसको अब एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं। धमाल डांडिया का मतलब अपने आप में एक पूर्ण शब्द ही है, तो वो उसका मतलब ये है कि जो आदमी यहाँ पे आएगा, जो चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बच्चा हो, जो भी आदमी यहाँ पे आएगा, वो आएगा यहाँ पे धमाल करके जाएगा। राधे माँ आई थी तो पसीना निकाल दिया सर, पसीना नहीं निकालेंगे तो आज चाहे वो बम्बे में जो भी आदमी आता है यहाँ पे, तो पसीना बहाता है तभी तो कमाता है, तो चाहे वो आप हो, चाहे वो हम हो, सब पसीना बहा रहे हैं, तो राधे माँ ने बहा दिया तो कौन सी बड़ी बात होगी। कल कोई और है गेस्ट? कल तुम गेस्ट हो कहाँ पे? अभी थोड़ा सा पसीना बहाया है भाई साहब का, तो थोड़ा सा सूखने दीजिए, तो फिर उसके बाद अनाउंसमेंट बहुत जल्दी आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा आपको।